ओम शांति। 3 सितंबर 2022। आज की अव्यक्त मुरली बाबा के महावाक्य शांति से बैठकर सुनेंगे और आत्मसात कर लेंगे। बाबा कहते हैं, भगवान की महिमा तो आत्माएं गाती हैं, लेकिन आप बच्चों की महिमा स्वयं भगवान बाप करते हैं। ये वाणी 30 मार्च 1998 से उच्चारित है। बाबा कहते हैं, सब कुछ तेरा करने से मेरा कुछ नहीं, सब परमात्मा बाप का है। जब तेरा है तो फिक्र किस बात का, जिन्होंने सब कुछ तेरा किया है वही बेफिक्र बादशाह बनते हैं। ये वाणी 17 अक्टूबर 1987 से उच्चारित है। बाबा कहते हैं, परिस्थितियां आएंगी और चली जाएंगी, स्वस्थिति सदा आगे बढ़ाएगी। परिस्थिति के पीछे भागने से स्वस्थिति चली जाएगी। परिस्थिति आना भी गुड लक है। यह पेपर फाउंडेशन को मजबूत करने के साधन है। यह निश्चय को हिलाकर देखने के लिए आते हैं। एक बारी अंगद समान मजबूत हो जाएंगे तो यह नमस्कार करेंगे। पहले विकराल रूप में आएंगे और फिर दासी रूप में आएंगे। ये वाणी 26 नवंबर 1979 से उच्चारित है। बाबा कहते हैं, जितना जो स्वयं को समर्पण करते हैं बाबा के आगे, उतना ही बाप भी उन बच्चों के आगे समर्पण होते हैं। अर्थात जो बाप का खजाना है वह स्वतः ही उन बच्चों का बन जाता है। ये वाणी 24 जनवरी 1970 से उच्चारित है। बाबा कहते हैं, हमेशा समझो करामन हार करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है, कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि भाग्य विधाता द्वारा भाग्य की प्राप्ति का आधार है। जहाँ भाग्य होता है, वरदान होता है, वहाँ मुश्किल होता ही नहीं। ये वाणी 15 मार्च 1988 से उच्चारित है। संतुष्टता की निशानी है स्वयं भी मन से हल्के और खुश रहेंगे और दूसरे भी खुश होंगे। असंतुष्टता की निशानी है स्वयं मन से भारी होंगे। ये वाणी 6 जनवरी 1980 से उच्चारित है। बाबा कहते हैं, देह और देही दोनों अलग अलग दो वस्तुएं हैं, लेकिन अज्ञानवश दोनों को मिला दिया गया है। मेरे को मैं समझ लिया गया है और इसी गलती के कारण इतनी परेशानी, दुख तथा अशांति प्राप्त की है। ये वाणी 18 जनवरी 1975 से उच्चारित है। बाबा कहते हैं, यह शुद्ध ईश्वरीय स्नेह प्रेम सारे कल्प में एक ही बार मिलता है। ऐसे स्नेह प्रेम को हम पाते हैं, यह सदैव याद रखना है। जो कोई को प्राप्त नहीं हो सकता वह हमें प्राप्त हुआ है, इसी नशे और निश्चय में रहना है। ये वाणी 24 जनवरी 1970 से उच्चारित है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।